बैक टू माई YouTube चैनल। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक फिट फाट इन कुछ बात होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब आज जो है ना हम लोगों ने जनाब में जो है ना बिरयानी का प्रोग्राम था और जो है ना हम लोगों ने बिरयानी वगैरह बनाई थी, लेकिन ये कि सब लोग खाना खा चुके थे, बस एक मैं ही रह गई थी। तो इसकी रेसिपी जो है ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। इंशाल्लाह फिर कभी जो है ना दोबारा बनाएंगे तो उसमें ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। और फिर जो है ना ये मेरा मॉर्निंग का व्लॉग था। मॉर्निंग में ऐसे मेरा कुछ खाने का मूड नहीं था क्योंकि रात में काफ़ी हेल्दी डिनर करा था। तो बस ये कि मुझे जो है ना मैंने ऐसा करा कि जो है ना बेकरी से अपने लिए ना बकर खानी वगैरह मंगवा ली। वो गर्मा गर्म इतनी क्रिस्पी सी बकर खानी आती ना, काफ़ी मज़ा आया मुझे जो है ना। फिर उसके बाद जो है ना मैं अपने किचन में आ गई थी। और किचन में आज मुझे बनाना था गोभी गोश्त। अच्छा गोश्त जो है ना मुझे सोन के चढ़ाना था, तो इसलिए मेरे गोश्त वगैरह निकाल लिया था फ्रीज़र से। और बाकी जो है ना मैंने इस पर प्याज टमाटर और जो है ना अदरक लहसुन साथ ही जो है ना पीस लिया, तो उसमें ऐड कर दिया था। बाकी सारे स्पाइसेस इंग्रेडिएंट्स आपके सामने थे, वो सारे मैंने ऐड कर दिए थे। पीसी हुई मिर्ची थी, हल्दी थी, देन गरम मसाला था एंड देन पानी था और साथ ही ऑयल था। ऑयल जो है ना मैंने अभी इसलिए ऐड कर दिया था, वैसे तो मैं ऐसा करती हूँ कि पहले गोश्त वगैरह भून लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना मैं अच्छे तरीके से भून भान के फिर ऑयल ऐड करती हूँ, लेकिन अभी जो है ना मैंने साथ ही ऐड कर दिया था। खैर उसके बाद ये मेरी फ्रेश फ्रेश सी गोभी रखी हुई थी। अब जो है ना अब इसको हम चॉप कर लेंगे और साथ ही जो है ना अपने भुने हुए जो मसाले में ना उसे हम ऐड कर देंगे। बाकी ये कि मेरे को पसंद है गोभी के साथ जो है ना पालक, मुझे लगता है इसको डालने से जायका जो है ना थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है। जो लोग जिन लोगों को पसंद है वो ऐड कर सकते हैं, जो जिन लोगों को नहीं पसंद वो स्किप कर दें। खैर यहाँ पे मेरा गोभी गोश्त तैयार हो गया था और ये था मेरा आज का डिनर। जो लोग मेरी वीडियो को वॉच करते तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक एंड कमेंट्स भी कर दिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।